सो व्हाट्सअप गाइज, एक और नई और धमाकेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और ये जो आप देख रहे हो पूरा ट्रैक, ये रेस का ट्रैक है और इस रेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो रेस है इसमें हम आपस में कार्स टकराती भी है ताकि हम दूसरे बंदे को पीछे छोड़ सकें। अभी तो फिलहाल इसमें हम कस्टम व्हीकल भी ले सकते हैं, मेरे पे इतनी तगड़ी नहीं है, वो मैं आगे जाके लूँगा, अभी तक नहीं है। लेकिन देख रहे हो एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है और ये बंदे तो शुरू से ही भिड़ने लगे और इन्हें पता नहीं हम भी भिड़ सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं भिड़ रहे हैं। और ये आगे जाने वाले, इनको तो हम पीछे छोड़ के ही रहेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट आना है और रेस भी जीतनी है। ये जो बंदा ये बहुत तेज चला रहा है, मतलब हमसे भी ज़्यादा फास्ट चला, एक गया एक यहीं पर टकरा गया, ये तो बेकार। ओ भाई हम भी टकरा गए, मुझे नहीं पता था ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। तो चलते जल्दी से ये आगे ना निकल जाए। ले निकल गया, ये भी आगे नहीं हो गया पीछे। ओ नो यार, इसने बूस्ट ले लिया, अब हमने बूस्ट ले लिया, लेकिन ये बंदा, इसको शायद से पीछे कर दूंगा मैं, शायद से क्या मैंने कर दिया पीछे। और नहीं यार, ओ भाई अब हमें दोबारा से स्पॉन होना पड़ेगा क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो जल्दी से दोबारा रिस्पॉन होते हैं और दोबारा जल्दी से रेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम तो दोबारा रिस्पॉन हो, सामने वाला बंदा भी गिर गया यहीं से, तो जैसे को तैसा तो मिलता ही है, तो इसके साथ भी वैसे ही हुआ है। और ये देख रहे हो, मतलब इस गोल से सर्कल में हमें अपनी कार चलानी पड़ेगी, यहाँ मेन रोड पर तो चलती नहीं है सीधे पर, ये तो फिर सर्कल है पूरा। और ये बंदा, इसको तो मैं पीछे करके रहूँगा क्योंकि इसने मुझे पता नहीं कितनी बार ठोका है और इसने बार बार टक्कर मारता है मेरी कार में, लेकिन मैं इसको नहीं मार पाता हूँ। तो ये आगे जा रहा है, ये इसके तो जाने वाला, देख तू बच ले, जितना बचने की कोशिश करेगा तू नहीं बचने वाला है, तू टोपलू का टोपलू ही रहेगा, आज तेरा पोपलू बना दूंगा, तू चल बेटा आगे, तो नहीं चल तुझे बताऊँगा। ये रहा यहाँ पे, ओ नो 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 नो, ये गला टूट गई यार, ये ऐसे कैसे इस रेस में, इसलिए तो मज़ा आता है, ठुकते हैं आगे करते हैं पीछे करते हैं, उसी चीज़ का मज़ा है इस पूरी रेस में। और ये बंदा मेरे से इतनी आगे है तब भी इसको कोशिश करूँगा। ये रे दो बंदे हवा में ही हैं, बिल्कुल मौज में मस्ती में, लेकिन यार मैंने गलत दिशा में अपनी कार को मोड़ दिया, तो दोबारा। लेकिन ये सामने जो दो बंदे हैं वो दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ जैसे मेरे साथ हुआ, लेकिन इस बार नहीं होगा, दोबारा सर्कल में। लेकिन एक बंदे को हमने पीछे कर दिया, उसने गलती से गलत टर्न ले लिया तो वो नीचे गिर गया, तो उसे दोबारा आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतने में हमें जल्दी से स्पीड लेके निकलना पड़ेगा आगे ताकि वो हमें पीछे ना कर पाए। इस टाइम थर्ड पोजीशन पे और टोटल चार बंदे हैं, तो थर्ड यार जो दो बंदे हैं उनकी ज़्यादा तगड़ी कार है, इसलिए वो लोग ने रेस लेके जल्दी निकल गया, वरना हम पे भी होती तो हम भी जाते। लेकिन अब मैं ये रेस जीतता हूँ या नहीं जीतता वो तो आपको लास्ट तक देखने में पता चलेगा, तो लास्ट तक देखना ज़रूर, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से जो हमें बूस्ट मिला है ना, मतलब रेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। और ये जो कट्स आ रहे हैं छोटे मोटे, यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमें लेना है नहीं लेना। और एक टोपलू को तो मैं पीछे छोड़ ही चुका हूँ और दो आगे पोपलू हैं, वो दोनों पोपलू भी जाने वाले हैं, लेकिन चेक पॉइंट्स तो सारे लेने बनते हैं ना भेड़ो, तो लेके चलते हैं। और ये देख रहे हो यहीं पर पिछली बार भी फंसे थे, इस बार ना फंसे, इस बार हमने निकाल दी डायरेक्ट अपनी कार को। और ये सर्कल में चलाने में अलग ही फील आ रहा है, मतलब यहाँ पर थोड़ा हार्ड है लेकिन हम कंट्रोल कर ले रहे हैं, चेक पॉइंट लेने भी जरूरी है। और ये जो पीछे चला जाता है, मेरे को डर लगता है नीचे ना गिर जाए, लेकिन मैं इसे गिरने नहीं देने वाला। और ये देख लो कितना तगड़ा कटा है, अगर हमने स्पीड में रखा तो डायरेक्ट आगे वाले कट पे पहुंच जाएंगे, तो इसे आराम से यहाँ से लेंगे, ये हो गया। और ये जो दो पोपलू है वो तो कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, लेकिन एक पोपलू मेरे पीछे ही है, उस टोपलू को तो मैं बता दूंगा यहाँ से। अरे यार यार बस यार, ये टूट जाती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक और चेक पॉइंट हमें मिल चुका है, और ये जो दो टोपलू है तो आ गया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर रेस अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को भी लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना आपके हिसाब से, अभी कमेंट करना कि मैं रेस जीतने वाला हूँ या नहीं। तो ये चेक पॉइंट, ये कट दो लैप है, इसमें मैंने एक लैप कंप्लीट कर दिया, फिर दूसरा लैप है। और रे यार मैंने कुछ ज़्यादा ही तगड़ा स्टंट मार दिया है, उसके पॉइंट्स में कुछ मिले हैं, वो बंदा आ जाएगा अगर मैंने थोड़ी सी भी लेट करी, यहीं पे भी लग रहा है मिस्टेक हो गई हम पे, यार थोड़ी स्पीड कम रखते तो सही रहता। और ये दूसरा लैप चालू, अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट पर जाएगा वही जीतने वाला है, तो इनको तो मैं पीछे कर ही दूंगा। अरे मैं ये कार है पता नहीं क्या है, ये जो भी होता है वही है। और लैप फिर से बूस्ट मिल गया, बूस्ट लेके अब थोड़ा सा तो आगे चले ही जाएंगे हम लोग। और यार ये ठुक जाती है ना, स्पीड रखनी पड़ती है, अगर हम ब्रेक मारेंगे तो दिक्कत पड़ जाती है। और ये बच गया, वरना मैं दोबारा रिस्पॉन हो गया, वरना मैं गिरता। ओ यार ये टोपलू मेरे से आगे चला गया, मैं रिस्पॉन हुआ, तो ये टोपलू को तो अब बताना पड़ेगा, उसको ठोकूंगा तभी सही होगा ये टोपलू। और ये टोपलू भी दोबारा नीचे गिर गया, टोपलू के साथ ऐसे ही होगा जैसे को तैसा मैंने अभी बताया वैसे ही हुआ इसके साथ भी, मुझे गिराने की कोशिश कर रहा था खुद ही गिर गया। अब ये
यार यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पीड कर, देख रहा हूँ कार में पूरी पलट चुकी है ना, फटे ना, बस फट गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ब्लास्ट तो नहीं हुई, तो अब इसको और जल्दी से लेके चलते हैं। और यार एक बंदे ने तो रेस कंप्लीट भी कर लिया, अब तो बस तीन बंदे बचे हैं, अब मैं सेकंड तो आ ही सकता हूँ, तो लेके चलते हैं और रेस तो जीतने तो भर रहे हैं। यार ये टोपलू भी हमसे आगे निकल गए, कार भी सीधी नहीं, दोबारा रिस्पॉन होना पड़ेगा। और ये तो अब चले, अब हम टोपलू के पीछे, टोपलू को तो ठोक ठाक के मैं आगे निकल ही जाऊँगा। टोपलू तो आज गया बेटा, तो टोपलू भगा ले जितनी तेज अपनी कार भगा सके। और यहीं जो यही वो कट है जहाँ पे हम पीछे हुए थे, आपको याद होगा पिछले बंदा नहीं देखा तो दोबारा से वीडियो देख लो, यहीं पे हम पीछे हुए थे। फर्स्ट पोजीशन पे चल रहे थे लेकिन फोर्थ पोजीशन में हुए, क्योंकि यहाँ पे हम ठुक गए थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था। इतना तगड़ा नहीं हुआ था लेकिन नॉर्मल सा था, हो गया। और यहाँ पे स्टंट मारना पड़ेगा, और यहाँ पे तो हर बंदा गिरता है, लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि एक ही बार में निकाल दे। बस भाई एक ही बार में निकल गई, अच्छा हुआ निकल गई, वरना भाई दिक्कत हो जाती, नीचे ही जाके टाइम हमारी गाड़ी ब्लास्ट हो जाए, रिस्पॉन होने में और टाइम लेता, तो हम रेस भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जल्दी चलते हैं आगे की तरफ, और शायद से रेस एंड होने वाली है, तो रेस एंड तो होने नहीं दूंगा यार, मैंने आपसे कहा है फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा पूरा। तो टोपलू तो मेरे से ज़्यादा आगे नहीं, पहले टोपलू को ही पीछे कर देते हैं, फोर्थ नहीं तो थर्ड तो बनता है। और अब यार मुझे लगा मतलब आज तो हवा में हम पहुँच ही जाएंगे, लेकिन ये इसने हमें स्पीड स्लो कर दी ताकि हम ज़्यादा हवा में ना जाएं। हवा में चले जाते तो चेक पॉइंट भी नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे चले जाते, डायरेक्ट हिल पे चले जाते। यहाँ से कट लेना ये भी मुश्किल कट है, लेकिन ले लिया, क्योंकि यार हम लोग प्रो है, आप लोग जानते हैं हम लोग प्रो है, तो प्रो इन द चैट। ये भी ले लिया, और यहाँ पे ये तो हमारे लिए मनुष्य जगह है, हर बार गिरते हैं लेकिन इस बार नहीं गिरेंगे, पिछले तीन बार तो बचते हुए आ रहे, इस बार कैसे नहीं बचेंगे। लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रेस ख़त्म होने वाली है, बस 5 सेकंड बचे, 4 सेकंड, 3 सेकंड। ओ यार सॉरी गाइस, हम रेस हार गए।